खबर है जनपद बदायूं से। ग्राम पंचायत लभारी की बाजार में लगा गंदगी का अंबार। पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं। पेयजल पर लाखों खर्च, फिर भी ग्रामीण प्यासे। दुकानदार खुद सफाई कर्मी बनकर करते हैं सफाई। सफाई के नाम पर हर बाजार तहसीले जाते हैं सैकड़ों रुपए। आपको बता दे, पूरा मामला ब्लॉक म्याओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत लभारी का है, जहां पर मेन मार्केट बाजार में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कूड़ा इतना ज्यादा हो गया है कि दुकानदारों को रेडिया लगाने में दिक्कत होती है। दुकानदार खुद ही सफाई करते हैं और फिर रेडी लगाते हैं, क्योंकि बाजार में सफाई के नाम पर वसूली तो की जा रही है, लेकिन सफाई किसी प्रकार की नहीं हो रही है, जिससे बाजार में आए हुए दुकानदार काफी परेशान हैं। और ना ही पानी पीने की व्यवस्था है। 2 महीने पहले हुए रिवर बोरिंग फेल हो गए हैं। कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत करने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और ना ही कूड़ा कचरा फेंका गया है। ग्रामीण पूरी तरह से परेशान है। भले ही योगी सरकार स्वच्छ प्रदेश बनाने की मंशा से काम कर रही हो, लेकिन लभारी के ग्राम प्रधान तथा सचिव मिलकर पूरी तरह से उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे। कई बार खबर प्रकाशित होने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। देखते हैं कि खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, या फिर सिर्फ खानापूर्ति ही की जाती है। ये नल खराब है क्या? हाँ नल ये खराब है, ये समाप्त नहीं है। कब से खराब है? कम से कम हो गया ये 2-3 हफ्ते हो चुके। 2-3 हफ्ते हो चुके। फिर पानी कहाँ से लाते हो आप? पानी आपके कई कई किसी के घर से भरते हैं, कई किसी के घर से भरते हैं। यानी घरों में भरने जाना पड़ता है? घर में भरना होता है, अपने घर से भी लाते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की? कोई सुविधा है ही नहीं बाजार में? ठीक पैसा ले।